हेलो एवरीवन, दिस इज टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडे वी विल डिस्कस मेनली फोर इशू। द फर्स्ट इशू इज द शेप ऑफ अ 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया। द नेक्स्ट इशू इज Should India review its Myanmar policy in view of humanitarian crisis? In this article, we will discuss about India's Myanmar policy at the time of humanitarian crisis. The third issue is Brahmaputra's lone female gharial long wait for a mate could end soon. In this article, we will discuss about Brahmaputra River and Gharial River. And the fourth issue is The risk of international spread of wild type 1 polio cases from Pakistan is great. In this article, we will discuss about wild type 1 polio. So let's discuss all the issues. Shape of a 5-year climate agenda for India. Why news? New government's climate actions will impact all sectors, shaping India's sustainable economic path, global leadership and fight for climate finance and justice. अभी न्यू गवर्नमेंट बना है और उसके जितने भी क्लाइमेट एक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं हर सेक्टर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे, और गवर्नमेंट के जो भी क्लाइमेट एक्शन होंगे वो इंडिया के सस्टेनेबल इकोनॉमिक पाथ को शेप करेंगे, ग्लोबल लीडरशिप को शेपिंग देने का काम करेंगे एंड क्लाइमेट फाइनेंस एंड जस्टिस के लिए फाइट जिस तरह से इंडिया करता रहा है ग्लोबली। गवर्नमेंट का सारे क्लाइमेट एक्शंस कहीं ना कहीं इन सभी को बूस्ट करेंगे। व्हाट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द लास्ट डिकेड एंड दियर सिग्निफिकेंट रिजल्ट। लास्ट डिकेड में इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हैं और उनके सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या रहे हैं, उस इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर वन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नंबर टू, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। नंबर थ्री, एनहांस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs। नंबर फोर, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। नंबर फाइव, इंडियन एमिशंस कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। नंबर सिक्स, पॉल्यूशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। एंड नंबर सेवन, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिए हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। नंबर वन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट प्रोमोट्स द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी, एनहांसिंग ग्लोबल कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया ने सोलर एनर्जी को एडॉप्ट किया है और वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को एडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट किया है। इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है पूरे वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर, उसको अचीव करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अदर कंट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। नंबर टू, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन। एमिशन रिडक्शन करने के लिए इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन वो अचीव कर लेगा, और इसके लिए नेट जीरो का टारगेट रखा गया है 2070 तक के लिए। तो इंडिया ने ये भी एक इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट, एनहांस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सेटिंग एम्बिशियस टारगेट फॉर रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी एंड इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। एनहांस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs के थ्रू इंडिया ने एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने का टारगेट रखा है और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इनक्रीज करने का टारगेट सेट किया है। नंबर फोर, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रैपिड एक्सपेंशन इन सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इंटरनेशनल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट रखे हुए हैं,
उसको अचीव करने के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस किए गए हैं। नंबर 5, इंडियन एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। कार्बन ट्रेडिंग स्कीम भी लॉन्च किए गए हैं इंडिया की तरफ से। एस्टेब्लिशिंग अ कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शंस एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एमिशन रिडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है। कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसेस ऑन बिल्डिंग रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू विदस्टैंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर से फाइट करने के लिए रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। नंबर 7, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी। अभी इंडिया ने लास्ट ईयर G20 का प्रेसिडेंसी किया था और ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट किया गया था। इंटीग्रेटिंग ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस शोकेसिंग इंडिया लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल को इंटीग्रेट करने के लिए और उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के साथ ऐड करने के लिए ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट G20 प्रेसिडेंसी जब इंडिया ने किया था उस टाइम पर ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। हाउ इंडिया कैन एनहांस इट्स ग्लोबल नेगोशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में इंडिया ग्लोबल नेगोशिएशंस को किस तरह से एनहांस कर सकता है। नंबर 1, होस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट होस्ट कर सकता है इंडिया। नंबर 2, एडवोकेसी एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग। इंडिया अपनी तरफ से कॉन्सेंसस बिल्ड कर सकता है वेरियस कंट्रीज के बीच में। नंबर 3, प्रोमोटिंग इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस को प्रमोट कर सकता है इंडिया होस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। इंडिया शुड एम टू होस्ट अ मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट लाइक द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 2028। दिस वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स क्लाइमेट लीडरशिप एंड सेट एम्बिशियस ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडाज। इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर कुछ मेजर समिट होस्ट करने चाहिए। जिस तरह से COP28 होने वाला है तो 28 में इंडिया चाहे तो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा समिट होता है इंटरनेशनल लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशंस कोप के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरह के मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट इंडिया को होस्ट करने चाहिए। इससे इंडिया को ये मौका मिलेगा कि वो वर्ल्ड को शो कर सकता है कि क्लाइमेट को चेंज करने के लिए किस तरह से इनिशिएटिव लिए जाए, जिस तरह इंडिया ने लास्ट डिकेड में लिए हैं, और ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा किस तरह से सेट किए जाए और उनको अचीव करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो इंडिया ये पूरे वर्ल्ड को शो कर सकता है। नंबर 2, एडवोकेसी एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग। इंडिया शुड स्टार्ट टू बिल्ड कॉन्सेंसस ऑन क्रिटिकल क्लाइमेट इशूज। क्रिटिकल क्लाइमेट इशूज पर इंडिया कॉन्सेंसस बिल्ड कर सकता है। प्रोएक्टिवली एंगेजिंग इन डायलॉग्स फॉर्मिंग अलायंसेस एंड एड्रेसिंग कंसर्न ऑफ अदर नेशंस विल हेल्प इंडिया लीड नेगोशिएशंस एंड ड्राइव मीनिंगफुल आउटकम्स। इसके लिए इंडिया को कुछ वर्क करने होंगे। अगर इंडिया चाहता है कि वो कंट्रीज के बीच में एक नेगोशिएटर का काम करे तो उसको डायलॉग एंगेज करने होंगे, अलायंस फॉर्मिंग करने होंगे एंड अदर नेशंस के कंसर्न को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एड्रेस करना होगा। प्रोमोटिंग इक्विटी एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इंडिया शुड कंटिन्यू टू एम्फसाइज इक्विटी एंड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस इन इंटरनेशनल फोरम। एडवोकेटिंग फॉर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुशिंग फॉर एनहांस्ड क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म विल स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया का चॉइस है कि वो लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ की पोजीशन पर आ जाए। उसके लिए इसको वेरियस कंट्रीज के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना होगा और इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन को एम्फेसाइज करना होगा। इंटरनेशनल फोरम्स में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड जो कंसर्न है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट फाइट के लिए वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री
इमिशन में उतना रोल प्ले नहीं कर रही है जितना कि अदर कंट्री कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री है। सेवरल इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। नंबर वन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लॉन्च इन 2008। द NAPCC आइडेंटिफाइड 8 नेशनल मिशंस टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये जो लॉन्च किया गया था इसके अंदर 8 नेशनल मिशन को कंबाइन किया गया है, और ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड किया जा सके, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन को अंडरस्टैंड किया जा सके, एनर्जी सफिशियंसी से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लिया जा सके, एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करके उसको प्रोमोट किया जा सके, इसलिए ये लॉन्च किया गया था। नंबर टू, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC। ऊपर जो हमने अभी पढ़ा पॉइंट नंबर वन, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था, और नीचे स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अंडर द NAPCC स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप दियर ओन एक्शन प्लान। इंडिया के अंदर सभी स्टेट को अपने स्टेट लेवल पर डेवलप एक्शन प्लान डेवलप करने होंगे क्लाइमेट फाइट से रिलेटेड। एज ऑफ 2022, 33 स्टेट्स एंड यूटीज हैव प्रिपेयर्ड दियर SAPCC। हाउएवर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ दिस प्लान रिमेन अ चैलेंज। 2022 तक लगभग 33 स्टेट और यूटी ने अपना SAPCC प्रिपेयर कर लिया था, बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो नेक्स्ट रहा है वो ये रहा है कि इन प्रोग्राम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से मॉनिटर किया जाता है। नंबर थ्री, क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क। द गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड वेरियस रिसर्च इनिशिएटिव्स एंड नॉलेज नेटवर्क टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस रिसर्च इनिशिएटिव्स एंड नॉलेज नेटवर्क सपोर्ट किया गया है। इट मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स और नॉलेज नेटवर्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है ताकि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और उसके रिस्पॉन्स को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। दीज इंक्लूड द नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, एरोसोल्स एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी। नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग से रिलेटेड नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम, एरोसोल से रिलेटेड, कोस्टल वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। व्हाइल दिस नेटवर्क्स हैव जनरेटेड वैल्यूएबल नॉलेज, देयर एबिलिटी टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड एक्शन इज स्टिल बीइंग इवैल्यूएटेड। ये जितने भी नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम नेशनल नेटवर्क प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, ये नेटवर्क वैल्यूएबल नॉलेज जनरेट करते हैं और जिनको फोकस करते हुए पॉलिसी एंड गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस इजीली तरीके से मेकिंग जा सकते हैं और एक्शंस इजीली तरीके से लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज, शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी इन व्यू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। व्हाट इज इशू? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस EAO एंड द मिलिट्री जनता इन म्यांमार हैज क्रिएटेड अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस व्हिच द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टुक अप फॉर डिस्कशन ऑन जुलाई 3। म्यांमार के अंदर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस EAQ और मिलिट्री जनता के बीच जो क्लैश हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से म्यांमार के अंदर सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया है। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 3 जुलाई को डिस्कशंस स्टार्ट किए हैं। सम एक्सपर्ट ऑन म्यांमार हैव कॉल्ड फॉर इंडिया टू रिव्यू इट्स पॉलिसी एंड एस्टेब्लिश चैनल विद द EAO टू हेल्प द अफेक्टेड सिविलियन। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया को म्यांमार के प्रति जो अपना पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए, और जितने भी अफेक्टेड सिविलियंस हैं
उनकी हेल्प करने के लिए इंडिया को ईएओ के साथ चैनल मेकिंग करना चाहिए। इट मीन्स अफेक्टेड सिविलियंस की हेल्प करने के लिए इंडिया को आगे आना चाहिए। शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी इन व्यू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि म्यांमार के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्या इंडिया को अपना जो म्यांमार पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए। एज म्यांमार मार्क 3 ईयर्स ऑफ मिलिट्री कूप, इंडिया हैज कॉल्ड फॉर कंप्लीट सीजेशन ऑफ वायलेंस इन द कंट्री एंड इट्स ट्रांजिशन टुवर्ड इंक्लूसिव फेडरल डेमोक्रेसी। मिलिट्री कूप को लगभग 3 ईयर्स हो चुके हैं म्यांमार के अंदर, बट इंडिया का मानना है कि वहाँ पर जो वायलेंस हो रहे हैं उनको सीजेशन होना चाहिए, कंप्लीट सीजेशन होना चाहिए और कंट्री के अंदर फेडरल डेमोक्रेसी सिस्टम प्रिवेल होना चाहिए। करंट मिलिट्री कूप एंड सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल। मिलिट्री कूप और सिविलियन आर्म स्ट्रगल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट है। मिलिट्री कूप इन 2021, 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी विक्ट्री इन 2020 इलेक्शंस इंस्पायर्ड कंसर्न अमंग द मिलिट्री तैतमादोव एलिज इलेक्टोरल फ्रॉड एंड स्टेज अ कूप इन फेब्रुअरी 21। आंग सान सू की एंड अदर लीडर्स वर डिटेन्ड स्पार्किंग वाइड स्पीड प्रोटेस्ट एंड अ वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन। 2020 में म्यांमार के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD का विक्ट्री हुआ था और मिलिट्री के लिए आंग सान सू की का जीतना लायक नहीं था। मिलिट्री ने वहां पर ये डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है और इसलिए 2021 फरवरी मंथ में उसने कूपिंग स्टार्ट कर दिया, यानी तख्तापलट वहां पर स्टार्ट कर दिया। आंग सान सू की और उसके जो अदर लीडर थे पार्टी के उन्हें डिटेन कर लिया गया है, जिसकी वजह से म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं और मिलिट्री क्रैकडाउन, वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन वहां पर किए गए। एंटी जनता आर्म्ड स्ट्रगल। वेरियस एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल्स डिफेंस फोर्सेस इंटेंसिफाइड दियर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मिलिट्री रिजाइम रिजल्टिंग इन एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द कंट्री। म्यांमार के अंदर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में यहाँ पर कुछ ग्रुप हैं, जैसे एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल डिफेंस फोर्स इट मीन्स EAO एंड PDF, ये कुछ वहाँ पर ग्रुप हैं जो पीपल के सपोर्ट में हैं और मिलिट्री रिजर्व के साथ इनका फाइट है। इट मीन्स मिलिट्री जनता एक तरफ और एक तरफ ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था या कौन कौन से फेज में किस टाइप का वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हुआ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज। म्यांमार गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948। द कंट्री इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। म्यांमार 1948 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस होता है और इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है। फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल, उसके बाद मिलिट्री रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इन 1962 जनरल नी विन स्टेज अ कूप डिक्टेट एस्टेब्लिशिंग अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी बिकेम द कंट्रीज सोल पॉलिटिकल पार्टी। 1962 में जनरल नी विन का यहाँ पर कूप स्टार्ट हो जाता है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। म्यांमार के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेटरशिप के टाइम पर रन होती है जिसका नाम था बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री। मिलिट्री के अंदर फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इन 1988 जनरल सौ मॉन्ग सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवरथ्रोइंग द BSPP ड्यू टू वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन। हाउ द मिलिट्री कंटिन्यू टू रूल अंडर द स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल SPDC। मिलिट्री के अंदर ही 1962 में यहाँ पर मिलिट्री रूल डिक्टेटरशिप रूल स्टार्ट हो जाता है।
अब मिलिट्री के अंदर कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। 1988 में जनरल सौ मोंग गवर्नमेंट के कंट्रोल को सीज कर लेते हैं और बीएसपीपी को ये ओवरथ्रो कर देते हैं। बीएसपीपी मींस बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। उसके बाद ये क्योंकि बीएसपीपी को ओवरथ्रो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके गवर्नमेंट जब थी तो वहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक करप्शन हुए थे, इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद मिलिट्री का जो रूल था वो कंटिन्यू रहा, बट अब यहाँ पर स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर ये रूल किया जा रहा था। इट मीन्स बीएसपीपी को हटा करके यहाँ पर जो रूल किया जा रहा था वो एसपीडीसी के अंडर किया जा रहा था। फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन 2010 द एसपीडीसी हेल्ड इलेक्शंस पेविंग द वे फॉर अ क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट। 2010 में यहाँ पर एसपीडीसी न्यू इलेक्शंस कराती है और यहाँ पर क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट का वे बन जाता है। इट मीन्स यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट बनने की शुरुआत हो जाती है। आंगसान सुकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक विन द 2015 इलेक्शन। 2015 में जो इलेक्शन होते हैं यहाँ पर आंगसान सुकी की जो पार्टी होती है एनएलडी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ये पार्टी विन कर लेती है 2015 में। मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिफ्यूजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है म्यांमार की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। करंट ऑनगोइंग आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन द मिलिट्री जनता एंड द पीपल्स डिफेंस फोर्सेस इन द चिन रीजन सागिंग रीजन हैड लीड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया स्पेशली इन मिजोरम एंड मणिपुर। मिलिट्री जनता और पीडीएफ पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में चिन रीजन और सागिंग रीजन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस वजह से इंडिया में रिफ्यूजीज का मैसिव इन्फ्लक्स हुआ है स्पेशली मिजोरम और मणिपुर स्टेट में। दिस इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी इन इंडिया हैज इमर्ज एज अ मेजर बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एज दिस हैव बीन लिंक्ड टू वायलेंट एथनिक क्लैशेस ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। इंडिया और म्यांमार के बीच में कॉन्टेंशन का सबसे मेजर रीजन ये रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स है क्योंकि ये रिफ्यूजी कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग केसेस से कनेक्टेड हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया म्यांमार रिलेशन। इंडिया और म्यांमार के रिलेशन न्यू नहीं है बल्कि ये बहुत ही ओल्ड टाइम से चले आ रहे हैं। बोथ कंट्री हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक फ्रॉम एंशेंट टाइम। दोनों कंट्रीज के बीच में एंशेंट टाइम से कल्चरल रिलेशन रहे हैं, रिलीजन एंड ट्रेड रिलेशन रहे हैं। एज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार। क्योंकि बुद्धा का लैंड है इंडिया और यही वजह है कि म्यांमार से बहुत सारे पिलग्रिम्स इंडिया आते हैं। इन ब्रिटिश आर इंडिया एंड म्यांमार वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अंटिल 1935। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया और म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ये कंटिन्यू 1935 तक रहे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर दोनों के रिलेशन देखे जाएं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड म्यांमार एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड मेंटेन क्लोज टाइज। इंडिया एंड म्यांमार साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951। दोनों कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद भी डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और क्लोज टाइज मेंटेन करते हैं। 1951 में दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है। इन 2002 इंडियन कॉन्सुलेट इन मंडले वॉज रिओपन्ड एंड द कॉन्सुलेट ऑफ म्यांमार वॉज सेट अप इन कोलकाता। दोनों कंट्रीज के बीच में एक दूसरे दोनों कंट्रीज में एक दूसरे कंट्री के कॉन्सुलेट हैं। इंडिया का कॉन्सुलेट 2002 में मंडले के अंदर ओपन किया गया, इसको रिओपन किया गया था, और कॉन्सुलेट ऑफ म्यांमार कोलकाता के अंदर यहाँ पर रिओपन किया गया था। इन 2014 म्यांमार बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में इंडिया के अंदर दो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। म्यांमार इन दोनों पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया। इंडिया के लिए म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर वन जियो स्ट्रेटेजी के लिए हम देखेंगे। नंबर टू काउंटरिंग चाइना में क्या रोल है। नंबर थ्री रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। नंबर फोर कल्चरल टाइज। जियो स्ट्रेटेजी म्यांमार इज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जब हम
साउथ ईस्ट एशिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दोनों के लिए ही म्यांमार एक गेटवे की तरह काम करता है। म्यांमार इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में इंडिया के अंदर दो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दोनों पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में म्यांमार वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रिलाई ऑन म्यांमार। दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये मैकिंग किया गया। इसमें तीन कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड। दूसरा प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, KMMTT। दोनों प्रोग्राम में ही म्यांमार का बहुत बड़ा रोल है। नंबर टू, काउंटरिंग चाइना। म्यांमार इज क्रूशल फॉर इंडिया टू काउंटर इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, और अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें म्यांमार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उधर से चाइना भी फाइट कर रहा है कि वो पूरा साउथ, ग्लोबल साउथ को लीड करे, और ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो चाइना को काउंटर करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज डेवलपिंग द सत्वी पोर्ट इन म्यांमार रखाइन स्टेट टू काउंटर द चाइनीज फ्रंटेड क्यूपू पोर्ट। चाइना म्यांमार के अंदर एक क्यूपू पोर्ट बना रहा है, उसके काउंटर में इंडिया भी वहाँ पर रखाइन स्टेट के अंदर सत्तावी पोर्ट डेवलपिंग कर रहा है। नंबर थ्री, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। स्टेबल म्यांमार इज नेसेसरी टू रिड्यूस द इलीगल रोहिंग्या एंड चीन माइग्रेशन इन इंडिया, क्योंकि इलीगल रोहिंग्या और चीन माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो हमें कोशिश करना होगा कि किसी भी तरह से म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए। नंबर फोर, कल्चरल टाइप। बुद्धिज्म विच इज द मेजोरिटेरियन रिलीजन इन म्यांमार हैज इट्स रूट इन इंडिया विच हैज लीड टू ह्यूज कल्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच कुछ कल्चरल सिमिलरिटीज भी हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर जो मेजोरिटेरियन रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म का जो कनेक्शन है वो हिंदुस्तान से, इंडिया से है। मेजर एरिया जो कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच में कॉपरेशन के मेजर एरिया कौन कौन से हैं। नंबर वन, ट्रेड एंड इकोनॉमी। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नंबर थ्री, डिफेंस कॉपरेशन। नंबर फोर, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। नंबर फाइव, कॉपरेशन इन एजुकेशन एंड रिसर्च। नंबर सिक्स, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। नंबर वन, ट्रेड एंड इकोनॉमी। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार हैज ग्रोन फ्रॉम $12.4 million इन 1980-81 टू $2.18 billion इन 2016-17। इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलैटरल ट्रेड 1980 के कंपेयर में 2016 में काफ़ी ग्रो हुआ है। 1980 में जहां बायलैटरल ट्रेड $12.4 million का था, वहीं 2016-17 में ये $2.18 billion हो गया। इंडियन कंपनी सच एज एस आर गेल, ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड हैव इन्वेस्टेड इन म्यांमार एनर्जी सेक्टर। म्यांमार में एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब कौन कौन सा कंपनी है, जैसे एस आर है, गेल है, ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड है। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंडिया म्यांमार रिलेशन हैज बीन बूस्टेड बाय द की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इंडिया हैज इन्वेस्टेड डीपली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया है, और दोनों कंट्रीज का जो रिलेशन है वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट म्यांमार के अंदर हमने इस्टेब्लिश किए हैं या प्रोग्रामिंग किए हैं। इंडिया एंड म्यांमार इनोग्रेटेड द 250 किलोमीटर तमो कलेवा कालेमियो हाईवे, पॉपुलरली कॉल्ड द इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड इन 2001। 2001 में इंडिया और म्यांमार ने इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड इस्टेब्लिश किया था, और ये 250 किलोमीटर, इसको तमो कालेवा कोलेमा हाईवे के नाम से भी जाना जाता है।
नंबर वन, इंडिया इज बिल्डिंग द कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट टू लिंक कोलकाता टू सत्तावी इन म्यांमार एंड देन फ्रॉम म्यांमार्स कालंदन रिवर टू इंडिया नॉर्थ ईस्ट। कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इंडिया ने बिल्ड किया है और ये कोलकाता कोलकाता से म्यांमार के सत्तावी पोर्ट तक जाता है। उसके बाद ये म्यांमार के कालंदन रिवर से होते हुए नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाता है। इंडियन म्यांमार एंड थाईलैंड आर बिल्डिंग द एशियन ट्राइलेटरल हाईवे विच विल कनेक्ट इंडिया टू आसियान। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तीनों कंट्रीज मिल करके आसियान ट्राइलेटरल हाईवे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं और ये आसियान कंट्री को कनेक्ट करने का काम करेगा। नंबर थ्री, डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया एंड म्यांमार कंडक्ट अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड इंडिया म्यांमार बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और म्यांमार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसको म्यांमार बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज IMBEX के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सनराइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार आर्मी जॉइंटली टारगेटेड द मिलिट्री ग्रुप्स दैट ऑपरेट इन द बॉर्डर एरियाज। दोनों कंट्रीज के बॉर्डर एरियाज में कुछ मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन सनराइज इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट किया गया था। नंबर फोर, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। म्यांमार इज ऑल्सो अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजी टू ब्रिज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू आसियान बिम्स्टेक एंड मेकोंग गंगा कॉपरेशन MGC। इंडिया का स्ट्रेटेजी ये रहा है कि वो साउथ को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कंसोलिडेट करना चाहता है। इसके लिए आसियान बिम्स्टेक और मेकोंग गंगा कॉपरेशन इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में म्यांमार का एक जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है जो कि इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉपरेशन इन एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडिया है डेवलप्ड म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इंडिया ने म्यांमार के अंदर म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और साथ में वहाँ पर ACARE एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पल्सेज एंड ऑयल सीड पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी वहाँ पर बनाए हैं। नंबर सिक्स, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ इन नेचुरल कैलामिटीज इन म्यांमार लाइक साइक्लोन मोरा 2017, कॉमेन 2015, अर्थक्वेक इन सान स्टेट 2010 एंड कोविड-19। म्यांमार के अंदर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पर इंडिया ने म्यांमार का ह्यूमैनिटेरियन एड किया है। जैसे 2017 में साइक्लोन मोरा आया था, 2015 में कॉमेन आया था और 2010 में यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था। कोविड-19 के टाइम पर भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की थी म्यांमार के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इशू इज रिलेटेड टू भागीरथी एंड घड़ियाल। ये जो इशू है ये वैसे तो किसी काम का नहीं है जो न्यूज में था, बट यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र और घड़ियाल के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी आता है। इट इज नोन बाय द नेम ऑफ यारलंग संगपो इन द तिब्बत रीजन। तिब्बत रीजन में इसको यारलंग संगपो के नाम से जाना जाता है। दिस रिवर एंटर्स बाय द नेम ऑफ सियांग एंड दिहांग इन इंडिया एंड आफ्टर इट इज ज्वाइंड बाय इट्स टू मेन ट्राइब्यूटरीज द दिहांग एंड लोहित इट इज नोन बाय द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। इट फ्लो इन बांग्लादेश बाय द नेम ऑफ जमुना। फाइनली इट मर्ज विद द गंगा रिवर। जब ये इंडिया में एंटर करती है उस टाइम पर इसका नाम सियांग और दिहांग होता है। उसके बाद इसके साथ टू ट्राइब्यूटरीज दिहांग एंड लोहित जब मिल जाती हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, इसका नाम वहाँ पर जमुना हो जाता है। फाइनली ये गंगा रिवर के साथ मर्ज होकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड माजुली आइलैंड इज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ आसाम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड माजुली आइलैंड आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर में ही है। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइज फ्रॉम केमायुंडंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक टू नॉर्थ ऑफ द हिमालय इन द साउथ ईस्ट तिब्बत रीजन। साउथ ईस्ट तिब्बत रीजन में नॉर्थन हिमालय के अंदर जो मानसरोवर लेक है उसके पास एक कैलाश रेंज है। उस कैलाश रेंज के अंदर केमायुंडंग ग्लेशियर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर
राइज होती है द ब्रह्मपुत्र ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल बिफोर फॉर्मिंग अ ह्यूज डेल्टा अलोंग विद गंगा। गंगा के साथ मिलकर के ये बे ऑफ बंगाल में जिस टाइम पर ड्रेन होती है एक ह्यूज डेल्टा बनाती है। द ट्रेबुटरीज आर सुबानसरी, इसकी कुछ ट्रेबुटरीज हैं स्पेशली, पहले हम इसमें नॉर्थन ट्रेबुटरीज की बात करेंगे, जैसे सुबानसरी, रोंग नदी, देकरोंग, बुरोई, बोरगोंग, जिया भरेली, धानसरी, पुथिमरी, मनास, बेकी, आइक, संकोस, ये कुछ नॉर्थन इसके ट्रेबुटरीज हैं। कुछ साउथर्न ट्रेबुटरीज जैसे कि नोडिंग, ब्रिंडिंग, देसांग, दिखो, गौडोई, धानसुरी, काबिली, ये कुछ रिवर्स हैं जो इसके ट्रेबुटरीज हैं। अबाउट घड़ियाल, घड़ियाल ऑल्सो नोन एज गेबियल्स आर अ टाइप ऑफ एशियन क्रोकोडालियन डिस्टिंग्विश्ड बाय दियर लॉन्ग थिन स्नॉट। घड़ियाल जिसको हम गेबियल्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक टाइप का एशियन क्रोकोडिलियन का एक टाइप है जिसको लॉन्ग नेक और थिन स्नॉट के नाम से जाना जाता है। क्रोकोडिलियन आर अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स दैट इंक्लूड्स क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, केमंस एंड मोर। क्रोकोडालियन रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर क्रोकोडाइल, एलिगेटर, केमेंस आ जाते हैं। इंडिया हैज़ थ्री स्पीसीज ऑफ क्रोकोडालियंस, इंडिया के अंदर क्रोकोडालियंस का थ्री स्पीसीज है। नंबर 1 घड़ियाल, घड़ियाल इसको हम गेबिलिस गैंगेटिकस के नाम से भी, साइंटिफिक नाम है इसका, IUCN के रेड लिस्ट में है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मगर क्रोकोडाइल ये क्रोकोडिलस पेलुस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल IUCN की लिस्ट में है और लिस्ट कंसर्न की लिस्ट में है। ऑल द थ्री आर लिस्टेड ऑन अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इन सभी को मेंशन किया गया है। हैबिटेट ऑफ घड़ियाल, नेचुरल हैबिटेट, प्राइमरी हैबिटेट एंड सेकेंडरी हैबिटेट के बारे में हम इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नेचुरल हैबिटेट, फ्रेश वाटर ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, ये नेचुरल हैबिटेट, नॉर्थन इंडिया में जो फ्रेश वाटर रिवर है वहाँ पर ही मिल जाएगा। प्राइमरी हैबिटेट चंबल रिवर में सबसे ज़्यादा मिलेगा, चंबल रिवर जो कि यमुना की एक ट्राइब्यूटरी है। सेकेंडरी हैबिटेट घाघरा, गंडक रिवर, गिरवा रिवर उत्तर प्रदेश, रामगंगा रिवर उत्तराखंड एंड द सोन रिवर बिहार के अंदर पाई जाती है। पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर, अगर रिवर वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन है तो इसका मीनिंग है कि घड़ियाल का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है तो रिवर वाटर बहुत ज़्यादा डर्टी पॉल्यूटेड हो चुका है। कंजर्वेशन एफर्ट एज कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में घड़ियाल को सेव करने के लिए कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर एक घड़ियाल इको पार्क बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल चंबल सेंचुरी। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू वाइल्ड टाइप 1 पोलियो, ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ डिटेल नहीं है UPSC के हिसाब से, बट यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लिए एक कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड टाइप 1 पोलियो के कुछ केसेस मिले हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक ग्रेट रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि वाइल्ड टाइप पोलियो क्या होता है। व्हाट इज पोलियो, पोलियो इज अ डेंजरस एंड पोटेंशियली डेडली वायरल इन्फेक्शियस डिजीज दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। पोलियो डेंजरस होता है और पोटेंशियली डेडली वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। दे आर थ्री इंडिविजुअल एंड इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट विल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन, विल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन मेनली थ्री होते हैं, विल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, विल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। सिम्टोमेटिकली ऑल थ्री स्ट्रेन्स आर आइडेंटिकल इन दैट दे कॉज इरिवर्सिबल पैरालिसिस और इवन डेथ। सिम्टोमेटिकली अगर देखा जाए तो तीनों स्ट्रेन आइडेंटिकल हैं, यानी सभी में सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, और इफेक्ट अगर कोई पर्सन हो जाता है तो उसे पैरालिसिस और डेथ तक का कॉज हो सकता है। दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन मेनली थ्रू द फेसल ओरल रूट, ये जो वायरस है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, स्पेशली फेकल ओरल रूट के थ्रू ये एंटर करता है। इट लार्जली अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, द वायरस मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट कैन इन्वेड द नर्वस सिस्टम एंड कैन कॉज पैरालिसिस। ज़्यादातर बच्चे जो अफेक्ट होते हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं।
इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ये वायरस पहुंचता है, ये मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ये हमारे नर्वस सिस्टम पर इन्वेड करता है और पैरालिसिस की वजह बन सकता है। कभी कभी पर्सन का डेथ भी हो जाता है। इंडिया एंड पोलियो। इंडिया रिसीव्ड पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन बाय द WHO इन 2014 आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ जीरो केसेस। इंडिया के अंदर 3 ईयर्स में कोई भी पोलियो का केस 2014 से पहले नहीं मिला था। इसके बाद WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया। दिस अचीवमेंट हैज बिन स्पर्ड बाय द सक्सेसफुल पल्स पोलियो कंपेन इन विच ऑल चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स। इंडिया के अंदर पल्स पोलियो अभियान यानी पल्स पोलियो कंपेन काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है और इसमें सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। रिजल्ट के तौर पर इंडिया के अंदर कोई भी केसेस पोलियो का नहीं मिलता है और इसीलिए WHO ने पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन इंडिया को प्रोवाइड कराया है। द लास्ट केस ड्यू टू वाइल्ड पोलियो वायरस इन कंट्री वॉज डिटेक्टेड ऑन 13 जनवरी 2011। लास्ट केस इंडिया के अंदर पोलियो का जो डिटेक्ट किया गया था वो 13 जनवरी 2011 को डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद इंडिया के अंदर कोई भी पोलियो केस डिटेक्ट नहीं किया गया।